हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के जर्नी शुरू करते हैं। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने अपना घर वगैरह कंप्लीट कर लिया था और मैंने ऑफलाइन जाके कुछ घर में चेंजेस किए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे विंड गेट के अपनी जगह चेंज कर दी, इसको सेंटर में ला दिया तो ये थोड़ा और अच्छा लगने लगा, और विंडोज़ पे ग्लास वगैरह लगा दिए। पिछले एपिसोड में मैंने ये सब बंद कर दी थी क्योंकि मॉब्स अटैक करने लगे थे। एंड देखिए, ये सब गेट गेट वगैरह, डोर वगैरह और विंडो, ये सब मैंने लगा दी। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा विलेज को एक्सप्लोर कर लें और देख लें, थोड़ा विलेजर्स के पास कुछ मिल जाए तो। चलिए देखते हैं। ओ भाई, अभी तो रात हो रही, रुको पहले दिन करके आ रहे। सो चलो भाई, देखते हैं गाइस विलेजर्स के पास क्या मिलता है। हम लोगों को कुछ काम का मिल जाए तो अच्छी बात है। वैसे विलेज तो शायद देखने से बहुत बड़ा लग रहा है। एंड ये मैंने यहाँ से लाइट निकाल ली थी अपने घर के लिए। हे बेल्स, तोड़ूं या रहने दूं? इनको अभी रहने देते हैं, पहले घर वगैरह एक्सप्लोर कर लें क्या क्या इनको पास। ये तो गरीब है। एंड खाना वगैरह तो यहाँ से मिल ही जाता है। ये भी गरीब है। एंड ये भी गरीब है। भाई ये विलेज पूरा कंगाली में जी रहा है रे, कुछ नहीं है इनके पास तो। देखते हैं भाई, कुछ तो मिल जाए काम का। थोड़ा खाना खा लूं। ओ भाई, किसी के पास कुछ नहीं है, क्या है ये, क्या चल रहा है? अरे यार बंदा, छोड़ो यार, गरीबी वाला है विलेज तो। स्पॉन भी कराया तो कहाँ पे बच जाए। इस घंटे की तरह मेरे इन्वेंटरी का भी घंटा बजा जा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। अभी क्या है ये, एक घर में भी कुछ भी नहीं मिला अभी तक। वाह, नहीं, वाह। ओ भाई, मारो मारो मुझे, मारो ए शीप, मार मुझे, मार मार ना, मर गई। तो कॉल नहीं अभी तक कलेक्ट किया हमने, गड़बड़ हो रहा है ये सब। विदाउट कॉल नहीं चलेगा कुछ भी। चलिए थोड़ा बहुत कॉल कलेक्ट करना है, वरना इसके बिना तो चलिए थोड़ा डीप डाउन खोलें। थोड़ा डीप डाउन खोद के देखता हूँ कुछ अच्छा मिल जाए। रुको, से पहले थोड़ा सा स्टिक्स टॉर्च बना रहे, सॉरी टॉर्च। बिकॉज कौन जाने आगे क्या खतरा मिले।
कैसे बनेगी। ओ स्टिक्स डली हूँ शायद। एंड बाकी लकड़ी है ही नहीं ते यार। चलिए कोई ना, मैं लकड़ी लेके आ रहा तब तक। हाँ तो गैस मैं लकड़ी लेके आ गया हूँ, तो अब टॉर्च बना लेते हैं। अभी तीन तो यही बनेंगे, इसके बाद क्या हो गया। हाँ बाकी स्टिक्स एंड टॉर्च। कितनी, दो और बनाने, बस इतनी रखते हैं, बाकी बाद में बना लेंगे क्योंकि कोल की भी अभी तो ज़रूरत है। कोल लाई का डायमंड दिस टाइम, वो आई थिंक अब रेडी है चलने के लिए। इसका रखो, और रात हो गई अभी, रुको सुबह चलते हैं। देखते हैं शायद कुछ आयरन मिल जाए, नहीं तो कोल तो अभी चाहिए ही है। आयरन नहीं तो कोल मिला, फिर देन फिर माइनिंग फॉर आयरन। अरे भाई इससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। अबे 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 अबे, अबे। ओ भाई साहब, चलो कोई ना, होता है होता है, दिन खराब हो तो ऐसे ही होता है। वैसे मरा नहीं है, ज्यादा अच्छी बात है। इसीलिए मुझे चाहिए अभी आयरन की टूल, लकड़ी, और इससे कुछ नहीं हो पाएगा। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है शायद अच्छी चीज़ें शायद Y12 पे ही मिलती हैं। एक मिनट, थोड़ा 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 है, बस अब सही है। बाकी गाइस अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई सजेशन हो तो भाई कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो सपोर्ट के लिए कमेंट किया उसका पूरा पूरा क्या बोलते अपनी वीडियो में अमल करूँ उस चीज़ पे। बाकी गैस पूरी कोशिश है कि आपको अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, बाकी खोदते रहो बस, खोदते रहो बस, खोदते रहो बस, खोदते रहो बस, खोदो खोदो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मिल गया मिल गया मिल गया, ढिंडोरा पिटवा दो कि गेम असीव को आयरन मिल गया। इस टाइम पीछे तो नहीं छोड़ दी मैंने, नहीं यहीं पे मिला है। कितने हुए, 5। चलो कोई ना, 5 मिले काफी है।
भाई मेरा तो एम है, कम से कम मिल गया है मेरे को 34 आयरन के। वैसे मेरे को 30 लगता नहीं आज मिल पाएंगे। ओ भाई चलो कुछ तो मिला, मोर भी है। सही है, नाइस नाइस। एंड और भी है, अरे यार क्या झंझट है। आप लोग भाई सजेस्ट करना थोड़ी बहुत चीजें कि बिगिनिंग में क्या करूं माइनक्राफ्ट में, क्योंकि मैंने मोस्टली वीडियोस देखी हैं और थोड़ा बहुत ट्राई किया था। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं अपनी वीडियोस, तो इसीलिए न्यू वर्ल्ड बना के दोबारा शुरू की है ये सीरीज। एंड देन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं, बाकी सब तो हो जाएगा। अपन कोशिश करेगा, मेहनत करेगा। भूख लग गई, देखे नहीं मैंने, खाना खाओ। मैं सोच रहा हूँ कि क्राफ्टिंग टेबल ही लेंगे। एंड कुछ लैडर्स बना के लेंगे, सीधा Y12 पे चलते हैं। एक्स्ट्रा मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना ली थी वहां पे इसी वजह से, लेकिन लाना भूल गया। कहाँ गई फिर? तो चलिए बैक टू द वर्क। अबे वर्क की तो मतलब क्राफ्टिंग टेबल ही नहीं वर्क करने दे रही। कम से कम 1 2 3 एंड इसको तोड़ लो और चलते हैं सीधा Y12 पे। मैं आपको Y12 पे जाके मिलता हूँ, वरना आप लोग भी बोर हो जाओगे। लोग आ चुके हैं Level 12 पे, तो अब रियल माइनिंग शुरू करते हैं। आप लोगों को ये क्या मिला रे? आते ही आते, ओ भाई, ओ तेरी भाई साहब, भाई साहब। पहले तो लाइट अप करो, मुंह के सामने, मुंह दिखाई पे इतनी अच्छी चीज है। वाह जी वाह। को थोड़ा सेफ कर लें, चेस्ट का चेस्ट चेस्ट दो एंड इसमें से थोड़ा स्टोन निकालो। इसको थोड़ा सेफ करो, यहाँ से कोई आना नहीं चाहिए ना, काम खराब हो जाता है। एंड इसको भी बंद 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 करो। भाई साहब बिल्कुल मजा ही आ गया रे। लेकिन एक दिक्कत है, एक दिक्कत है, मैं इनको आयरन टूल के बिना नहीं खोल सकता। सो फिर से ऊपर चलो। कहाँ पे है डायमंड? 12 आयरन स्टिक्स के लिए है, स्टिक्स के लिए एक बनाएंगे पहले तो।
एक, सिर्फ एक। बाकी इसमें एक ये भी रख दो एंड सो के चलते हैं ऊपर, मतलब नीचे। नहीं मैं डायरेक्ट Y12 पे इसलिए गया, शायद अच्छा मिलेगा आइटम, एंड मुंह के सामने ही एक तो रेड स्टोन मिला। कुत्ता है क्या इसको, देखते हैं। नहीं वो भाई लैपिस भी नहीं, शायद कुत्ता है, देखते हैं। नहीं हो जाता, चल ओ भाई ले तो, अभी तो यहीं रहे, अभी तो उसको बाद में लेंगे, बिकॉज पता चले मैं मर गया तो मेरा तो बैंड बजेगा। यार आयरन दे दे रे, एक डायमंड दिया, चलो माना बहुत अच्छी बात है। मगर डायमंड, एक डायमंड से कुछ बनेगा भी नहीं। चलो आयरन मिला 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 एंड मिला भाई। आज लगता लकअप के साथ है माइनक्राफ्ट में। ओ भाई 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 भाई, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, 5 डायमंड भाई 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 भाई। हाँ तो गाइस मैं आ गया हूँ माइनिंग करके वापस, मुझे जल्दी वापस इसलिए आना पड़ा, मेरी सारी पिकेक्स गई थी टूट एंड वुड भी मैं लेके नहीं गया था। तो गाइस आप लोगों को देखना है मुझे क्या क्या मिला, तो टड़े मुझे ये कॉबल स्टोन्स के स्टैक्स इतने मैंने खुद खुद की निकाली, एंड जैसा कि आपसे वादा था 22 30 आयरन और उसका, तो ये 22 एंड बाकी के 9 अप्रॉक्स कुछ मुझे मिले थे, तो मैंने अपना वादा पूरा किया। एंड रेड स्टोन्स तो बहुत सारे मिल गए, 48 कोल्स एंड 1 गोल्ड ब्लॉक, लैपिस लाजूली 34 एंड एक प्रीशियस चीज भी मुझे मिली, तो वो देखना आपको क्या है। तो 7 लवली लवली डायमंड्स, ओ भाई इनको तो संभाल के रखना पड़ेगा, ये तो मुझे स्टार्टिंग में ही मिल गए। भाई बहुत खुश हूं कि मैंने सही डिसीजन लिया एंड 7 डायमंड्स भी मिल गए। एंड चलिए आयरन स्मेल्ट कर लेते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और हो मन हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओ भाई यहाँ पे क्या चल रहा नीचे। सो गाइस बस मिलते हैं माइनक्राफ्ट के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।